तो पहली बार ट्रेन में बैठने के लिए मुझे सब इजी इजी हो रहा है। ऐसे ही ये ट्रेन से उतरूँगा, मेरी ट्रेन भी आके 2 घंटे पहले खड़ी है, मैं भी 2 घंटे पहले आ चुका हूँ। और S7 मेरा नंबर है, जैसे ही प्लेटफॉर्म से उतरूँगा S7 है। इतनी ट्रिप में पहली बार मेरा इजी काम हो रहा है ट्रेन के लिए। भाई सुबह शांति से पहुँच जाऊँ हैदराबाद, बस उतने तक शांति हो जाए बस, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग 5 बजे पहुँचने वाला हूँ मैं ट्रेन में। यार आज तक मुझे कुछ पता नहीं चलता था, बहुत डरता था ट्रेन से या उसके जो मैनेजमेंट है उससे डरता था, क्योंकि कुछ भी एक मिस्टेक हो गई आपसे और आपको पेनल्टी बहुत देनी पड़ती है। पर ये ट्रिप में मेरा ट्रेन का जो डर था वो निकल गया। ट्रेन का बहुत कुछ मुझे अब पता चलने लगा। मेरे को पहले टिकट देखनी भी नहीं आती थी ट्रेन में, कैसे बैठना है क्या है प्लेटफॉर्म नंबर, पर अब टिकट मतलब अब मैं टिकट भी बुक खुद से कर सकता हूँ। तो अब मैं कैमरा में भी कल सुबह ही हैदराबाद पहुँच के स्टार्ट करूँगा। बारिश हो रही है, ये बेंगलोर पूरा ट्रिप मेरा बारिश में ही निकला हुआ है। बहुत बार ये मैंने कहा बारिश बारिश बेंगलोर में, पर क्या करूँ, आप देख सकते हो कंटिन्यूस बारिश है। तो मैं कैमरा ऑफ करता हूँ और मैं निकल रहा हूँ हैदराबाद के लिए। आज सुबह पहले तो गुड मॉर्निंग, आज सुबह कल मैं निकला था बेंगलोर से हैदराबाद के लिए। चलिए बाद में बात करते हैं, पहले मैं बस में चढ़ जाता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। तो कल बेंगलोर से निकला था मैं हैदराबाद के लिए। सुबह मुझे 5 बजे वो ट्रेन पहुंचाने वाली थी, पर पहली बार ऐसी ट्रेन देखी मैंने, एक आधा घंटा मुझे जल्दी पहुंचा दिया। मैं 4:30 बजे पहुंच गया हैदराबाद। ट्रेन बहुत ही अच्छी थी। साउथ इंडियन ट्रेन्स की एक अच्छी बात यह है कि सब ट्रेन बहुत ही क्लीन है। पर कल दिक्कत ये हुई कि मैं मिडल बर्थ में था और लोअर बर्थ में 2 बंदे थे, पूरी रात उन्होंने दारू पिया है, इससे कोई दिक्कत नहीं थी। पर इतनी घटिया ब्रांड थी भाई, पूरी ट्रेन में बदबू आ रही थी, तो पूरी रात अच्छी तरह नींद नहीं आ पाई मुझे। मुझे ऐसा था कि ट्रेन में मैं सो जाऊंगा। फिर सुबह उतरते ही मैं वो भाई साहब को पुलिस ने भी पकड़ा, पुलिस साइड में ले गई उनको। 15 मिनट के बाद वो दोनों भाई साहब आ गए, तो आपको पता लग जाएगा कि क्या हादसा हुआ होगा उन दोनों के साथ। वो जो पी रहे थे कितना महंगा पड़ा होगा उनको। फिर वो भी आके फिर से स्टार्ट कर ही दिया था। फिर मैं पहुंच गया 4:30 बजे यहाँ काचीगुड़ा करके है रेलवे स्टेशन, वहाँ पे। उसके बाद मैंने वहीं आसपास में वो रूम देखा तो 1000 के आसपास गोवाई वीवो के अंदर अच्छी डील पड़ रही थी मुझे, तो मैंने बुक करवा दिया। पर अर्ली चेकिंग की वजह से मुझे 300 रुपये और ज़्यादा देने पड़े। फिर फ्रेश होके मैं हैदराबाद में, दो ही चीज़ ऐसी है देखने लायक, एक चार मीनार और दूसरा जो है वो है रामूजी फिल्म सिटी। तो मैं अभी वहीं पे हूँ, टिकट ली है मैंने, टिकट मुझे 1360 रुपये में पड़ी है, ये 2021 का भाव है, बढ़ गई है प्राइस। और टिकट लेके मैंने चेक इन कर लिया है, आगे पता नहीं क्या कुछ कैसे है, पर अभी तो पहले मुझे बस में बिठाया गया है। आगे की जर्नी यहाँ से स्टार्ट होगी और जो जो आएगा बीच में वो सब मैं आपको भी दिखाऊंगा, मैं भी खुद देखूंगा। एक चाय पिए सुबह से, बस नाश्ता करना है अच्छा अंदर पहले। चलिए चलते हैं।
पहुंचो, आगे रेड बस दिख रही है, वहाँ बैठना पड़ेगा, वहाँ एक क्यू है, क्यू में खड़ा रहना पड़ेगा, जब हमारा टर्न आएगा तब वही रेड बस हमें 2 घंटे पूरा घुमाएगा। चलिए मैं जाता हूँ पहले क्यू के अंदर, बहुत ही भीड़ है ऑलरेडी, इधर काफ़ी गेस्ट आ रहा है। आपको वहाँ से सिटी से इधर आना होगा तो कम से कम 1 घंटा लगेगा और तकरीबन 25 से 30 किलोमीटर के आसपास है, और टिकट लेने के बाद भी इधर 10-15 मिनट लगे हमें अंदर आने तक, 5 से 6 किलोमीटर तक। बहुत बड़ा है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टूडियो है, वहाँ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी लिखा हुआ है कि यूनिवर्सल स्टूडियो है USA में, उससे भी बड़ा ये स्टूडियो है। Do you remember the name?